के आपने वीडियो बनाई, आप यहाँ 5 करोड़ रुपए कमाओगे वीडियो बना के, और अब आप निकल लो यहाँ से। हेलो फूडीज, वेलकम टू आवर चैनल फूडी सांड। दोस्तों हम आ चुके हैं मुंबई में और सामने जस्ट प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी क्रीड़ा स्कूल। अब इसके जस्ट सामने ना एक वड़ा पाव वाले हैं जो कि बड़े ही फेमस है, और इनका वड़ा पाव बहुत अलग तरीके से, क्योंकि एक वो चटनी गार्लिक वाली नहीं होती जो दिल्ली में हमारे छोले कुलचे में कई कुछ लोग डालते हैं, वो वाली चटनी है वड़ा पाव में डाल के देते हैं। तो वैसी मेकिंग है, देखकर आपको मज़ा आ जाएगा। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों चलिए मेरे साथ। यहाँ पर अपनी आलू की भजिया बन रही है। इसमें हमने क्या बेसन डाले, नमक डाले, नमक बेसन पानी। तो और यहाँ पर अपनी भजिया पूरी रेडी हो चुकी है अंदर फ्राई होने के लिए। तो ठीक है, जब भी बनती है रेडी होती है तब आपको दिखाती है। तो यहाँ पे भाई वड़ा बन रहे हैं अपने। ये इनका बटाटा का मसाला रहता है, इसमें क्या क्या रहता है? अदरक, मिर्ची, लहसुन, तेल, हल्दी, कड़ी पत्ता भी दिख रहा है मेरे को। तो यहाँ पे बेसन की कोटिंग के साथ रहता है, उसके बाद यहाँ पे फ्राई होता है। दिखाता हूँ आपको 1-2 पीस फ्राई होते हुए। तो वड़ा अपने यहाँ तैयार हो चुके हैं बिल्कुल। मैं सच में यार मतलब दीवाना हो गया हूँ वड़ा पाव का। मुंबई में इतने अलग अलग तरीके के वड़ा पाव हैं, कोई चटनी के साथ दे रहा है, कोई चूरा डाल रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन बना रहे हैं वड़ा पाव में। तो भाई शुरुआत में आ गया बटर ऊपर से। इन जैसा मसाला पाव ना कहीं और नहीं दिखता, ये मसाले में तैयार करते हैं। जैसे कि आपने हमारे छोले कुलचे देखे होंगे दिल्ली में, एक गार्लिक की चटनी नहीं लगती ऊपर, जिसका स्वाद बहुत बढ़िया आता है कुलचों के ऊपर। तो वही यहाँ पे होने वाला है। ऊपर से धनिया, ये मसाले में गार्लिक वगैरह रहता होगा ना, गार्लिक, लाल मिर्च वगैरह। तो ऊपर से ये कौन गरम मसाला है, ठीक है, मसाला सब है इसमें मिक्स रहता है, ठीक है। बहुत है ना, बहुत कुछ वैरायटी इसके लिए। इधर वड़ा पाव फेमस है, वड़ा पाव एकदम खास। सही है। ऊपर से आगे पाव पूरे मसाले में भीगेंगे ये। बाकी आप कब से खा रहे हो यहाँ पे? कितना टाइम हो गया होगा इस दुकान को? मैं थाने रहता हूँ। थाने रहते हो? मैच है हम लोग का। अच्छा अच्छा, इसके लिए आज इधर देखा और खाने के लिए। सही है, टेस्टी है बहुत। इधर हम लोग आते रहते हैं, मतलब वीकेंड में आते रहते हैं। और ये देखिए भाई क्या लुक आ रहा है यार। चटनी वाले जो है ना, इनका मसाला पाव उसके ज़्यादा फैन है यहाँ पे। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा क्वान्टिटी में यहाँ बनने चाहते हैं पाव। उधर पाव की कटिंग चल रही है। बढ़िया, थोड़ा ऐसा भीग गया। मुझे लग रहा है कि अगर वड़ा ना भी डले ना तो भी इसका स्वाद बहुत बढ़िया आने वाला है ना सर। इसने पूरा फ्लेवर पकड़ लिया होगा अपना, बटर और इनकी चटनी रहती है। पाव भी खाते हैं लोग ना, सिर्फ पाव भी खाते हैं। अच्छा, खुशबू ऐसी आ रही है गार्लिक की ना। आ गया बड़ा। भजिए दो। हाँ इसमें भजिए दीजिए। अच्छा मिक्स भी हो जाता है ऐसे? सही है, फिर तो एक मिक्स कर दीजिए। वो आलू के नहीं रहते हमारे पकौड़े, वो रहते हैं भजिया में। मुंबई में भजिया बोलते हैं पकौड़ों को। कितने पीस डालते हो पकौड़े भजिया? कितना सर? 6 पीस है, ठीक है। पूरा भर के भजिया, एक समोसा लगा दीजिए। बड़ा डाला है इसमें, एक में बड़ा हो गया, एक में भजिया हो गया, एक में समोसा आ गया। ये आ गई भाई चीज़, उसे दबा कर चीज़ बड़ा पाव है यहाँ पे। ये धनिया ऊपर से अमेजिंग दिख रहा है। हाँ बिल्कुल, साथ में जाएगी इसकी चटनी। ये कोकोनट वाली है और ये हरी चटनी है, ठीक है। ये अपना समोसा पाव आ गया, दूसरा आ गया अपना भजिया पाव। चैनल का नाम क्या है? फूडी सांड। फूडी सांड, भजिया पाव, ठीक है। एक चीज़ बड़ा पाव। थैंक यू भैया। ये लग रहा है भाई कमाल। तीनों आ चुके हैं अपने वड़ा पाव। आप बताइए अमेजिंग आपको सबसे ज़्यादा कौन सा लग रहा है? मुझे भाई चीज़ वाला दिखने में काफ़ी कमाल लग रहा है। सिंपल पाव है, अच्छा। ये मसाला पाव है, मसाला पाव, मुन्नी पाव। ओके, तो चलिए चारों का मज़ा लेते हैं, आपको टेस्ट करके बताते हैं। तो दोस्तों हमने चार आइटम यहाँ की ले चुके हैं। यहाँ का सिंपल मसाला पाव, चीज़ वड़ा पाव, उसके बाद अपना है ये समोसा पाव मसाले वाला, और मसाले वाली भजिया पाव। रेट इनकी बात करें तो भाई मसाला पाव ये 18-20 रुपये के आसपास है, 18-20, ये 50 रुपये का सबसे महंगा यही है। तो ये भी मतलब वही 20-30-40-50 ऐसे रेट है। आइए टेस्ट करते हैं। स्टार्टिंग में चीज़ के साथ करूँगा क्योंकि मुझे दिखने में बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। ये देखिए एक बार ज़रा इसका स्वाद लिया जाए। अमेजिंग टेस्ट है यार। चीज़ लिटरली मतलब मुझे इतनी फील हो नहीं रही है, मुझे अंदर का स्वाद बहुत बढ़िया आ रहा है। गार्लिक की चटनी बहुत टेस्टी है। वही यार वो दिल्ली वाले छोले कुलचे नहीं अपने, जैसे कि अपने आज़ादपुर वाले छोले कुलचे दिनेश भैया के, बढ़िया चटनी मार के खिलाते हैं, स्पाइसी बनाते हैं, वही लग रहा है स्पाइसी वाला। इनका समोसा पाव ट्राई करते हैं। समोसा पाव ना खाने में ज़्यादा मज़ा आता है दोस्तों, क्योंकि ये स्पाइसी तो होता ही है, साथ में आउटर शेल थोड़ा क्रिस्पी रहता है, तो मिक्स मज़ा आता है खाने का। पूरा वड़ा पाव सॉफ्ट और ये क्रिस्पी बीच में, तो ऐड ऑन हो जाता है टेस्ट। तो हल्का सूखा सूखा लगता है, तो उसमें आपको चटनी की जरूरत पड़ेगी। अंदर स्टिंग दाना है समोसे के, और आलू का मसाला जो नॉर्मल हमारा समोसा रहता है, बड़ी मसाला बड़ा पाव, अमेजिंग। आइए ज़रा मसाला सिंपल पाव ट्राई करते हैं। ये देखिए भाई, इसमें चटनी का मुझे लग रहा है ज़्यादा फ्लेवर आएगा, क्योंकि कोई और चीज़ है ही नहीं टेस्ट जस्ट करने के लिए। सॉफ्ट एंड सिंपल, हल्का सा स्पाइसी रहेगा बट अमेजिंग टेस्ट। जो एब्जॉर्ब करा ना पाव ने चटनी को, बहुत ही अमेजिंग। और बटर भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में इन्होंने डाला था। तो यहाँ पे सर ने भाई हरी मिर्च डाल दी है, बिना हरी मिर्च के वड़ा पाव का स्वाद अधूरा है ना सर? बिना मिर्च में वड़ा पाव नहीं खाता। हाँ, चलिए इसको भी टेस्ट करा जाए। भजिया पाव है, भजिया तो थोड़ी अंदर ही रह गई, तो कोई बात नहीं, इस साइड से भजिया ट्राई करते हैं। ठीक है, हरी मिर्च नमक वाली साथ में भजिया। देखो अब ये अंदर ना टेस्ट आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको भजिया कौन सी वाली पसंद है, होटल वाले के अंदर, बट जो नॉर्मल लेते हैं वड़ा पाव लेते हैं। और मुझे बहुत टेस्ट लगा है आपका वड़ा पाव। एक्चुअली अशोक वड़ा पाव का एक टेस्ट मुझे और ऐड हो रहा था, वहाँ पे चूरा डाल रहे थे सॉफ्ट वड़ा पाव के अंदर ना, क्रिस्पी से चूरा बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा था। अगर इसमें चूरा डाले ना तो ये भी भाई बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगेगा। पर ये भी मेरे हिसाब से मुंबई के बेस्ट वड़ा पाव में से एक होगा। सो गाइस, हमने आपको चारों वड़ा पाव यहाँ पर दिखाए। अब पता नहीं मुझे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, उसका जो रेट बैठ रहा था ना 120 रुपये के आसपास बैठ रहा था। हमने बिल पूछा तो कह रहे 200 रुपये। मैंने कहा सर ये बिल तो 120 रुपीज़ के आसपास आ रहा है। कह रहे नहीं आपको हो गया, आप चलो चलो यहाँ से। तो मतलब वो चीज़ समझ नहीं आई मेरे को यार। कह रहे कि आपने वीडियो बनाई, आप यहाँ 5 करोड़ रुपए कमाओगे वीडियो बना के, और अब आप निकल लो यहाँ से। मतलब इससे थोड़ा सा और बुरे तरीके से उन्होंने बोला था। तो ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई दोस्तों कि या तो वीडियो, हम सरदार पाव भाजी के पास गए, उन्होंने हमें कहा सर ऐसी बात है कि हमारे ऑनर नहीं है, आप नहीं बना सकते वीडियो, सीधी सी बात है। ठीक है, हमें बहुत सारे रिजेक्शन मिलते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन यार वीडियो बोल के हाँ करो पहले कि हाँ भाई वीडियो बना लो, उसके बाद बीच में यार ऐसे काम करो तो वो ठीक नहीं लगता ना दोस्तों। वीडियो बनाते हो चलो निकलो यहाँ से, ये क्या 5 करोड़ रुपये कमाओगे तुम। तो ये सिर्फ ये नहीं, मैं 1-2 जगह से और सुन चुका हूँ। ये 5 करोड़ रुपए कमाओगे, 10 करोड़ कमाओगे, तो हम यहाँ पे होते क्या? अंबानी के साथ नहीं होते क्या? 5 करोड़ 10 करोड़ कमाते तो हद हो गई यार। और ऊपर से हम दिल्ली से यहाँ पे आए हैं मुंबई के लिए, इतने प्यारा स्ट्रीट फूड है यहाँ पे, मैं आपको बता नहीं सकता, इतना अमेजिंग स्ट्रीट फूड है दोस्तों, टेस्ट कमाल का, और इतने डिफरेंट वैरायटी है कि आपको देखकर मजा आ जाए। पर यार थोड़ा बिहेवियर भी तो होता है ना यार, खिलाफ कस्टमर जा रहे हो किसी दुकानदार के पास, वो आपको ट्रीट करे अच्छे से, आपको टेस्टी खाना दे तो काम बनता है ना। ये थोड़ी कि बिज़नेस कैसे चलता है, अगर हम वीडियो बनाएंगे तो क्या इनके पास कस्टमर नहीं आएंगे? हम यहाँ मुंबई टूर कर रहे हैं, अच्छा खाना आपको ढूंढ के दे रहे हैं, आप जब मुंबई आएंगे तो क्या आप यहाँ का खाना ट्राई नहीं करेंगे दोस्तों? वही वाली बात है, फ़ायदा तो सभी का होता है। तो ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई, प्लीज़ यार, सब नहीं, मुंबई में हमें काफ़ी लोग बहुत बढ़िया मिले जिन्होंने ऐसा ट्रीट करा है कि मैं आपको बता नहीं सकता, जैसे कि सगे भाई हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्रीटमेंट सही नहीं दे रहे हैं। 200 रुपये का बिल 120 रुपये का बन रहा था, कह रहे नहीं नहीं जाओ मैं नहीं दे रहा, तो ये तो गुंडा राज चल रहा है यार यहाँ पर थोड़ा। यार इस चीज़ से थोड़ा सा बचना पड़ेगा और कुछ समाधान निकालना पड़ेगा इसका। बाकी आप बताइए वीडियो कैसे लगी, खाना टेस्टी है, देखो आप कस्टमर बन के आ रहे हो, आपको इतनी बातें नहीं करनी इनसे, आप सीधा खाना खाओगे तो खाना बहुत टेस्टी है। लेकिन जब बिहेवियर अच्छा नहीं होगा तो मैं कैसे मानूँ कि जो ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो अच्छी यूज़ कर रहे हैं, क्वालिटी अच्छी यूज़ कर रहे हैं, मुझे थोड़ा सा डाउट पैदा होगा। बाकी वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।